लहास भी हम लोग नहीं ले जा सकते हैं कि लहास तो कम से कम ले जाएं। मजबूरी तो है, सरकार मिचक दिए सी हन कूड़ा मामा पहचान का। अगर लड़के बच्चे ना हो तो हम प्यासन मर जाएं। बच्चों को कहां से उठा के लेके जाते हैं, तो हम लोग बच्चों को उठा के ले जाएंगे पहुंचाने, तो मजदूरी कौन करने जाएगा? और की समय आवत है जिताओ बहन जी जाओ लाडली बहन को दे 1200 रुपया, वही में बेचारा जीत है। आते हैं वोट के समय तो वोट के लिए बोलेंगे भैया जी ताना सब व्यवस्था कर देंगे, इस बार सब व्यवस्था कर देंगे। और जीतने के बाद कोई फिर के झांकता भी नहीं है। अब की बनाइए फिर बन जाएगी, अब की विधायक बनाइए फिर बन जाएगी, कहाँ बन रही है, सब ऐसे ही तो पड़ा है। सुबह 6 बजे आता है नल तो हम लोग 5:30 बजे जाकर वहाँ पर लाइन लगाते हैं। नमस्कार, इस वक्त हम शहर के बीचों बीच खड़े हैं। शहर के बीचों बीच यानी आप हमारे पीछे जो देख रहे हैं उसे देखकर आपको ये महसूस नहीं होगा कि आप शहर में हैं। इस वक्त हम विकास पुरुष कहे जाने वाले रीवा के राजेंद्र शुक्ला के गढ़ में खड़े हैं। ये रीवा निपनिया वार्ड क्रमांक 2 है। यहाँ इस वार्ड क्रमांक 2 में हजारों की आबादी निवास करती है और आप देख रहे होंगे कि क्या स्थिति है यहाँ। आज तक विकास के नाम पर दरकार है, आज तक ना तो सड़क है, ना पानी है, ना और भी कोई चीज़ें हैं। लोग इतने परेशान हैं कि छोटे छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर जाते हैं और डिब्बे में पानी लेकर आते हैं, तब जाकर उन्हें कहीं पीने का पानी नसीब होता है। स्थिति ये है कि यहाँ अगर आज बरसात की पहली बारिश हुई है, पहली बारिश में ये स्थिति है कि यहाँ लोगों का जाना आना मुहाल हो गया है। लोग चल रहे हैं तो फिसलन हो गई है, फिसलन इस कदर है कि अगर कोई बड़ा बूढ़ा जा रहा है तो उनके पैर में इतने भी दम नहीं होंगे कि वो ठीक से निकल सके। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नालियों की ये स्थिति है कि घरों के ऊपर आज की 1 घंटे की बारिश में ये सिचुएशन हो गई है कि यहाँ नाली के ऊपर से पानी बह रहे हैं। तो स्थिति ये है, चलिए हम यहाँ के लोगों से जानेंगे कि उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। अभी स्कूल खुलेगा 1 महीने बाद, तो लड़के बच्चे कहाँ से रहेंगे कि? हैं? रोड भी नहीं है, पानी की तो व्यवस्था है ही नहीं है, लाइट की तारें टूटी हुई हैं। तो जब ये नहीं हमारी सुनवाई हो रही है, तब किसी जन आंदोलन भी करेंगे? शासन ने को हम ही बनाते हैं, हम ही बिगाड़ेंगे हैं? अभी हमारा तो चल जाएगा, हम तो बड़े बड़े हैं, लेकिन बच्चे क्या करेंगे? कैसे जाते हैं बच्चे? बच्चों को कांधों को उठा के लेके जाते हैं, तो हम लोग बच्चों को उठा के ले जाएंगे पहुंचाने, तो मजदूरी कौन करने जाएगा हैं? जब रास्ता ही नहीं है, 3-3, 4-4 साल के बच्चे, 5-5 साल के बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो कहाँ से जाएं बताइए? ये भी रोड मैडम ब्लॉक है, ये रोड सीधी ब्लॉक है, लाइट भी नहीं है और रोड भी नहीं बन रही है। आज 10-12 साल से हम लोग झेल रहे हैं इसी तरह, वाहन भी नहीं आता, ट्रैक्टर कुछ नहीं आता है। लोगों ने बना लिया है घर द्वार, उसमें भी दिक्कत है, किससे लाठी चलाने जाए? क्यों रोड में घर बना लिए हैं? रोड बढ़ा के कोई चौरा बनाया, कोई कुछ बनाया है, रोड बने नहीं दे रहे हैं। अब बनने के क्या, बनाने वाले भी नहीं आते, कह देते हैं बनाएंगे फिर आते नहीं है, चूना भर डाल देते फिर चले जाते हैं, वोट ले लेते हैं, पार्षद के पास जाओ, विधायक के पास जाओ, सांसद के किसके पास जाए? एम्बुलेंस भी नहीं आता है, एम्बुलेंस भी नहीं आते, लड़के बच्चे हैं, आदमी वहाँ से बैठाता है, आदमी कह रहे क्या रोड से, मैन रोड से बैठाता है। फिर रोड में बैठा हुआ थे, रोड में नहीं आवे एम्बुलेंस बनी नहीं, कम से कम 8 साल हो रहा है यहाँ पे, सिचुएशन झेल रहे कि कैसे आना जाना, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कैसे जाएंगे पढ़ने लिखने, शूज भी पहनेंगे पूरा जूता गीला हो जाएगा, मैडम सर जी बताएंगे गीला कैसे हो गया, बचपन से तो यही है, हम लोग बड़े बड़े हो गए काम में जाने लगे, यही रोड की सिचुएशन की पानी बरसात होते पूरा गीला हो जाता है कपड़ा उड़ना सब, खाना पीना बरसात में लकड़ी चूल्हे में बनता है खाना, गीले की वजह से खाना भी ज़्यादा हो गया, जब बरसात रुकी तो भी हो गया, चूल्हे में खाना बनाते हैं। क्यों आजकल तो हर घर सिलेंडर मिला है? सिलेंडर में तो मैडम इतना रेट तो बढ़ रहा, ऊपर गैस सिलेंडर की भी रेट बढ़ रहा है। सिलेंडर तो दिया गया तो भरवाना तो आपको पड़ेगा। नहीं मेरे सिलेंडर नहीं है मैडम जी। क्यों आपको मिला नहीं? मिला ही नहीं है। क्यों नहीं मिला? पता नहीं, हम भरे हैं फार्म, हमको मिला ही नहीं है आज तक, नहीं आज तक नहीं मिला है। तो किसमें बनाती है? चूल्हा में बनाते हैं, कभी पानी बरसात हो गया हमारे बच्चे ऐसे भूखे ही रह जाते हम लोग।
अब पानी ना, कभी लाइट ऐसे आंधी तूफान में आता है तो कभी हो गया बनता है, कभी नहीं बनता है खाना। अरे यहाँ समस्या पानी का है, लाइट का है, सब चीज़ का तो है। हम लोग वोट देते हैं तो कहते बन जाएगा, फिर बनता नहीं है। बड़े के सुनते हैं, गरीब लोग के सुनते ही नहीं है। क्या नाम है आपका? हमारा दसोदिया प्रजापति। क्या दिक्कत है? हमको दिक्कत है सड़क की, हमको दिक्कत है पानी की, हमको दिक्कत है लाइट की। तीन चीज की हमारी व्यवस्था हो जाना चाहिए, आपसे विनती करते हैं। क्यों, आपके पास पानी नहीं है? पानी आता तो हम थोड़ी पर बरस करते आपसे। तो कहाँ जाती है पानी लेने? हम ले जाते हैं कोतवाली, हमारे लड़के बच्चे जाते हैं। अगर लड़के बच्चे ना हो तो हम प्यासन मर जाए, बताओ क्या करे। नल लगा हुआ है, पाइप बिछी हुई है, लेकिन पानी नहीं ढील रहे। कोई के घर में पानी नहीं आता है तो कहाँ जाएं हम लोग। क्या नाम है आपका? हमारा रंजीत कुमार बंसल नाम है। क्या दिक्कत है यहाँ पर? मैम दिक्कत बहुत, समस्या यहाँ पर रोड की कमी है और पानी की कमी है और बिजली की कमी है। जो भी आते हैं, जैसे पार्सल लोग आते हैं, कोई भी आता है और उनसे कहा जाए तो बोलते हैं इसका टेंडर हो गया है, हम इस बार जीत जाएंगे तो हम पूरा रोड बनवा देंगे, पानी दे देंगे। और कनेक्शन हुआ है पानी के लिए सभी का, नहीं पर पानी आता नहीं है। आपने इसके लिए किसी को आवेदन किया? हम लोग ने शुक्ला जी को आवेदन किया और अपने वार्ड पार्षद को हम लोग ने आवेदन किया। वार्ड पार्षद आकर देखे हैं, बोले हैं कि यहाँ का टेंडर हो गया है, ये चुनाव की वजह से टेंडर रुका है, और जैसे जीत जाते तो इधर आकर देखते भी नहीं। आप देख लीजिए रोड की स्थिति है, और नालियों को आप देख लीजिए कि नाली किस तरह बह रही है। दो आएंगे नाली दो साफ करेंगे, बस थोड़ा थोड़ा साफ करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे अपनी ड्यूटी निभा कर चले जाते हैं। अब पानी की समस्या के लिए जब हम लोग बात करते हैं, बोलते हैं कि टेंडर ये आपका यहाँ पर वो बनेगा, टंकी बनेगा आयुर्वेदिक अस्पताल में, वहाँ से पानी की सप्लाई होगी। और शुरू शुरू में जब यहाँ पर पाइपलाइन बिछी गई थी तो साल भर हम लोग पानी पाए, अफराध पाए पानी, उसके बाद से बीच में बंद हो गया। कैसे आप लोग? हम लोग पानी के लिए मैम सुबह 6 बजे आता है नल, तो हम लोग 5:30 बजे जाकर वहाँ पर लाइन लगाते हैं। यहाँ इस बाढ़ भर की समस्या, दो बाढ़ की पूरे समस्या, ये अमरैया टोला तक को आपको आधा किलोमीटर तक के लोग आते हैं, 5 बजे लाइन लगा लेते सुबह, चाहे ठंडी हो चाहे बरसात हो चाहे गर्मी हो। उसके बाद जब नल आता है तो एक एक करके मनाई लाइन लगाकर पानी भरता है। और शाम के आप देखिएगा अभी कुछ टाइम बाद, अभी बेचारे छोटे छोटे बच्चे साइकिल लेकर जाएंगे, जिसके पास कोई नहीं है तो बेचारे बूढ़े लोग जाएंगे अपनी समस्या पानी के साइकिल से जाते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है मुटाई बंसल। क्या दिक्कत है? ये दिक्कत है, पहली दिक्कत है कि इसमें केबिला 10 साल पहले से टूटी है, तो बत्ती नहीं जले, कटिया मार के बत्ती जलाते हैं। ये रोड नहीं बन रही है, पानी का दिक्कत है मैम, कोई सुनाई है नहीं होता। वोट के समय में आते हैं तो पांव चढ़ के आते हैं कि चलो वोट दो वोट दो, अब यहाँ देखने वाला कोई नहीं आता है, साए न पार्सल आता है न कोई आता है। और जब वोट के समय आती है तो भाई एक एक से आते हैं, जब उसका काम हो जाता तो कोई नहीं आता। वोट के समय आते हैं तब आप क्यों नहीं बोलते? उदी भी बोलते हैं हम लोग, अबे तो आते हो और फिर कहाँ चले जाते हो, अब बार बार क्यों चिंता का? हम भर चिंते हैं, जब 70 से जीत जाता था उन लोग भी दे देते हैं, चलो कहते हैं कि हम करेंगे, ये कम्प्लेक्स बनवावे कहीं के बनेंगे आयुर्वेदिक के पीछे, आज तक नहीं बना हुआ है। एक से पार्सल चुन गए, बाबा खत्म हो गया, तैयब वाला चुन गए, ये भी फिर के नहीं झांकता है सर हम लोग के गरीब के मारे। और उतनी समय आबाद जिताओ बहन जी जिताओ, लाडली बहन को दे 1200 रुपया, वही में बेचारा जीता है। यहाँ दिहारे में पहुड़ा रहा है, मना गिरा था पड़ा था, पानी नहीं पा बता जा लाइन में खड़ा रह, आगे पहुँच गया था पाएगा, जे नहीं पाए तो चला बह हला बता डब्बा अब यही काम नहीं। हेड पंप लगा लगा हुआ पानी घरे में अटक जाता था, वो मैंने गिच गिच करके पिया था, अब क्या करे मैं नहीं, खाना बनवे तो खाना नहीं अच्छा लगाता है, अब मजबूरी तो है, सरकार मिचिक दिए कूड़ा मामे पचन का, अब मैंने कैसे कहते नहीं बाहर रहा है भैया, दोबारा थोड़ा ये मेरे हमारे पास की स्थिति रही तो दोबारा थोड़ा अब जीती, हम ना जीती नहीं हमारे पास की जब माँ करी वो पूरा कराए, नहीं अब जीती ना होगा जीत चुका जो जीते करा। जनता से अब इतना होशियार होते ना, जनता से बड़ा मनाई बनाते हैं, और जनता चाहे ले तो कुछ ना कहे तो फिर छोटे हो जाए। क्या नाम है आपका? अभिषेक बंसल नाम है मैम। क्या कहना चाहेंगे आप? हम कहना चाहते हैं कि यहाँ लाइट और पानी की व्यवस्था की जाए, लाइट और पानी और रोड की, तीनों चीज़ की। यहाँ देख रहे हैं रोड इतनी ख़राब है कि आदमी जाता है साइकिल भी फिसल जाती है, पानी लेके आता है तो कभी कभी गिर जाता है, पानी अड़ा जाता है। सब अपने अपने घर में इधर नल लगवाए हैं तो वहाँ पानी नहीं आता है, सब कोई अपने घर से थोड़ी ना पानी देगा। हम लोग कोतवाली जाते हैं पानी लेके, साइकिल लेके जाते हैं पानी लेने के लिए, पानी 1 घंटे लगता है वहाँ जाके, लाइन लगाओ 1 घंटे पहले तब जाके पानी मिलता है। कि क्या है पब्लिक को समस्या है क्या नहीं है,
अब एक बार के अलावा दोबारा थोड़ी ना बनेगी। अब आदमी दूसरे बार दूसरे को चुनता है, सोचता है ये अच्छा होगा, वो भी ख़राब हो जाता है। अब ये तो नहीं कहा जा सकता ना, किसी को जानते तो नहीं है पेट के अंदर की कौन कैसा है, काम करेगा कि ना करेगा, आदमी जिता देता है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हनीफ। क्या दिक्कत है आपके? दिक्कत है पानी की है, रोड की है, देखिए पानी भरा है, कोई निकल नहीं पा रहा, पानी मिलता नहीं पीने को, यहाँ लाइट है नहीं। कब से पानी नहीं आया? पानी कभी नहीं आया यहाँ। कभी आया नहीं। 2 किलोमीटर दूर जाते, 3 किलोमीटर दूर जाते, छोटे छोटे बच्चे जाते, बच्चियाँ जाती पानी भरने वहाँ। तो इसके लिए आप लोगों ने किसी से मांग नहीं की? हमेशा मांग की है, राजेंद्र शुक्ला आए तो मांग की, जितने नेता आते मांग करते, बस चुनाव के टाइम आते हैं कि हाँ भैया हम सब बनवा देंगे, आज तक कुछ नहीं हुआ। हम लोगों को इस साइड के लिए कोई भी सुविधा नहीं है, ना हम लोगों के लिए लाइट है, ना हम लोगों के लिए पानी है, ना हम लोगों के लिए रोड है, बस कीचड़ से हम लोग, अब बरसात आ रही, दलदल से निकल के आएंगे जाएंगे, कोई फिसल के गिर रहा, कोई बच्चा दलदल में गिर रहा, कोई गाड़ी वाला गिर रहा, कुछ भी सुविधा हम लोगों के लिए नहीं है यहाँ पे। हम लोग यही चाहते हैं कि रोड बन जाए, हम लोगों को लाइट दिया जाए, हम लोगों को पानी सप्लाई दिया जाए, बस, और हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए सरकार से, बस इतना ही चाहिए। क्या दिक्कत आती है जिस तरह से बारिश को लेकर? तो आप एक महिला हैं, महिला के अंदर तो और भी कई सारी दिक्कतें आती हैं। एक अगर आपकी इस आबादी में कई सारी महिलाएं गर्भवती भी होती होंगी, गर्भावस्था के दौरान क्या करते हैं आप लोग? बस क्या करते हैं, आदमी गोद में लेकर के दो लोग पकड़ लेते हैं और लेकर के जाते हैं, ऑटो उधर खड़ी होती है, दो लोग पकड़ेंगे ले जाएंगे, यहाँ तक कि लिहाज भी हम लोग नहीं ले जा सकते हैं कि लिहाज तो कम से कम ले जाएं कीचड़ में, दलदल से निकल के इतने पैर वो हो जाते हैं, लिहाज तक हम लोग ऐसे लेके जाते हैं, आदमी क्या करें, मजबूरी है हम लोग की। तो सुना आप लोगों ने किस तरह लोगों की समस्याएं हैं, किस तरह से वो इस परेशानियों से जूझ रहे हैं, वो भी इस समय जब हमारे देश में अमृतकाल का दौर है। वहीं दूसरी ओर रीवा हमारा अब डेवलपमेंट के मामले में दूसरा मध्य प्रदेश का शहर बनने जा रहा है, और इसकी ज़मीनी हकीकत क्या है आप देख ही रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, किस तरह से लोग परेशान हैं इस अव्यवस्था की वजह से, वो स्कूल नहीं जा पा रहे, गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को कितनी समस्या हो रही है, साथ ही इनको पानी पीने तक के लिए मुहैया नहीं हो रहा, जिस तरह से हमारे देश में हर घर नल हर घर जल योजना चल रही है, लेकिन उसकी वास्तविकता क्या है वो आप देख रहे हैं, किस तरह से लोग तड़प रहे हैं पानी की एक बूंद के लिए, पानी के लिए इनको लंबी कतार लगानी पड़ती है, लेकिन इनका सीधे तौर पर कहना है कि जब चुनाव आता है तब तो लोग हमारे पास दौड़े हुए आते हैं, जैसे ही चुनाव खत्म होता है तो लोग हमें भी भूल जाते हैं। इस तरह की समस्याएं हैं तो आखिर अब जनता क्या करे? क्या इनको उनके अधिकार नहीं मिलेंगे? क्या इन्हें वो तमाम चीज़ें नहीं मिलेंगी जिनके ये हकदार हैं? ऐसे ही तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिएगा विंध्य फर्स्ट के साथ। कैमरा पर्सन राम के साथ मैं अंजलि।